हेलो फ्रेंड्स, आप सब ने कभी ना कभी बचपन में कार्टून और एनिमे तो जरूर देखा होगा और आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि कार्टून और एनिमे में फर्क क्या होता है। तो आपको इस वीडियो में कार्टून और एनिमे किसे कहते हैं और इसमें क्या डिफरेंस होता है, इन सब के बारे में बताया जाएगा। अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमोन ये सब कार्टून नहीं है तो आप लोग क्या बोलोगे? जी हाँ दोस्तों, पहले मैं बहुत कार्टून देखता था और इन्हें कार्टून ही बोलता था। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि गूगल से मुझे ये पता चला है कि जो एनिमेशन जापान में बनाई जाती है उसे एनिमे कहते हैं और जो एनिमेशन इंडिया में बनाई जाती है उन्हें कार्टून कहते हैं। कार्टून बनाने के लिए सबसे पहले कुछ करेक्टर ड्रा किए जाते हैं और एक छोटी सी स्टोरी पर एक मूवी या सीरीज क्रिएट कर दी जाती है। ये खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए क्रिएट की जाती है, उन्हें बहुत पसंद भी आता है लेकिन ये टीनेजर को ये पसंद नहीं आता। इंडियन कार्टून जैसे छोटा भीम, मोटू पतलू, रोल नंबर 21 एक्सेट्रा ये सब इंडियन कार्टून है और यकीन मानिए 14 साल के ऊपर के बच्चों को ये कार्टून बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि इनमें ना कुछ लॉजिक होता है ना कोई स्टोरी होता है। इसमें बस समोसा और लड्डू होते हैं जो खाकर विलेन को हरा दिया जाता है। एनिमे का नाम सुनते ही सबसे पहले जापान का नाम सामने आता है क्योंकि एनिमे की शुरुआत यहीं से हुई है। एनिमे क्रिएट करने के लिए कुछ कैरेक्टर क्रिएट की जाती है, स्टोरी भी क्रिएट किया जाता है। एनिमे की स्टोरी बहुत ही जबरदस्त होती है और कुछ एनिमे सीरीज की पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा होती है। एनिमे की मूवी और सीरीज लो और हाई बजट पर क्रिएट किया जाता है। जिस एनिमे पर CGI VFX का उपयोग किया जाता है वो बहुत ही हाई बजट पर तैयार किया जाता है। एनिमे को जापान और चीन में क्रिएट किया जाता है। जिस तरह से हम इंडिया में बॉलीवुड मूवी के फैन होते हैं उसी प्रकार जापान के लोग जापानीज मूवी के साथ साथ एनिमे के बहुत ही बड़े फैन होते हैं। और आप लोग को बता दूं कि जापान में एनिमे कैरेक्टर ड्रॉ करने, एनिमे कैरेक्टर की वॉइस देने के लिए बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं। जापान के एनिमे जैसे ड्रैगन बॉल, डेथ नोट, वन पंच मैन एक्सेट्रा है। USA कार्टून, बेन 10, अल्टीमेट स्पाइडर, एवेंजर असेंबल ये सब USA कार्टून यानी एनिमेटेड सीरीज हैं। इनके कैरेक्टर की बनावट भी जैपनीज एनिमे जैसे होती है, इनकी स्टोरी भी बहुत अच्छी होती है। ये बेन 10 की बात करें तो इन्हें किड्स से लेकर टीनेजर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी स्टोरी और एनिमेटेड सीरीज की बनावट काफी अच्छी होती है, एक्शन से भरपूर होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को मैं पूरी जानकारी दे पाया हूं। अगर आप लोग कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं, मैं तुरंत आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा।